दोस्तों, जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए एक ड्रायर लेकर आया हूं जो कि है चोबा ब्रांड की तरफ से। आज हम लोग अपने चैनल पर इससे अनबॉक्स करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ इसे रेटिंग भी देंगे। तो फटाफट से वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए लेट्स रोल। दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन राइट नाउ। दिस इज मी हर्षित एंड यू आर वॉचिंग द हर्षित गुप्ता व्लॉग्स। दोस्तों ये है वो ड्रायर जिसके आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि चोबा ब्रांड की तरफ से है। इसका मैं आपको एक बार फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रंट लुक है इसका, कुछ बैक लुक है इसका। दोस्तों बॉक्स काफी वेटेड है, इसका मतलब जो क्वालिटी अंदर यूज हुई काफी अच्छी क्वालिटी यूज हुई है। दोस्तों बॉक्स ऊपर चाइनीज लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये चाइनीज ड्रायर है दोस्तों। चोबा 2800 मॉडल नंबर के नाम से ही आता है, ये आपको साफ साफ देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है और साथ साथ नीचे प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस लिखी है। जैसा कि 220 वोल्ट का है, 50 हर्ट्ज इसकी कैपेसिटी है, 2000 वॉट का ये ड्रायर है। दोस्तों और भी बॉक्स पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया गया है, फटाफट से हम लोग इसे खोलते हैं। हाँ तो दोस्तों ये तीन चीजें हम लोगों को इसके अंदर मिलती हैं, कोई भी यूजर मैनुअल गाइड हम लोगों को नहीं मिली है। दो इसकी कैप मिली है, आप ये देख सकते हैं, एक है छोटे साइज की और एक ही ये बड़े साइज की। ये हम लोगों को मेन पार्ट इसका मिलता है, ये है ड्रायर। ड्रायर काफी वेटेड है दोस्तों, इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल का यूज हुआ है काफी सॉलिड है वो, मतलब कि अगर गिर भी गया ना आपका ये टूटेगा नहीं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो काफी मजबूत ड्रायर हम लोगों ने बनाया है जो कि है ब्लैक कलर का। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसका लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे चोबा की ब्रांडिंग दी हुई है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये फिनिश पॉलिश ब्लैक फेस में है और यहाँ पे थोड़ी सी ये डिजाइन इधर भी बनी है, इधर भी बनी है। यहाँ पे तीन स्विच दिए हुए हैं दोस्तों, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ये ब्लैक स्विच है। अब इसका क्या यूज है अब लोग आपको थोड़ी देर में पता कर लेंगे। साथ में जब ये वायर की क्वालिटी दी हुई है वो भी काफी अच्छी वायरिंग क्वालिटी दी हुई है, काफी मोटा वायर दिया है यहाँ पे, 75 mm का वायर है दोस्तों। 1.5 मीटर का तकरीबन वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसका प्लग दोस्तों 2 पिन टॉपर पेस्ट है, आप चेक देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है 2 पिन टॉप प्लग की और यही सब इस ड्रायर को थोड़ा सा अच्छा बनाती है क्वालिटी से भी और लुक से भी। तो फटाफट से हम लोग इसे एक बार चला के देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों जो बीच वाला बटन है ये पावर का बटन है जो कि दो बार प्रेस करने पर इसकी पावर घटे पड़ेगी, एक स्टेप वन है, स्टेप टू है। हम लोग स्टेप वन में भी चलाते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें पावर काफी है अच्छी, 2000 वॉट की कैपेसिटी है दोस्तों ड्रायर की, काफी सॉलिड क्वालिटी है। और इसमें जो नीचे अभी तक ये ठंडी हवा दे रहा था, अभी नीचे का बटन भी हम लोग साथ में प्रेस करेंगे ये रेड वाला, तो ये गर्म हवा देने लगेगा। देखिए हम लोगों ने ऑन किया इसे और नीचे का बटन भी ऑन कर दिया है, अब इसके अंदर से दोस्तों गर्म हवा निकलने लगी है, ठीक है। और अगर इसको दूसरे नंबर पे करेंगे तो और गर्म हवा देने लगेगा। दोस्तों इसमें ऊपर एक यहाँ पे स्विच दिया हुआ है जो काफी ड्राइव नहीं होता है, वो होता है यहाँ पे ठंडी और गर्म हवा होल्ड करने के लिए। जैसे नीचे वाला ड्राइव यहाँ पे खुला हुआ है, गर्म हवा देने वाला भी यहाँ पे खुला हुआ है, तो ऊपर वाले बटन को हम लोग होल्ड कर देंगे तो ये ठंडी हवा बीच में देने लगेगा, फिर गर्म हवा देने लगेगा, फिर दबा देंगे ठंडी हवा देने लगेगा। दोस्तों ये ड्रायर की क्वालिटी थी, अभी एक बार मैं अपने बालों पे हवा इसकी लेके देखता हूं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों आपने इस ड्रायर की क्वालिटी देखी, मेरे बाल कैसे हवा में उड़ रहे थे, मेरे कैसे एक साइड से बाल हो गए बिल्कुल स्ट्रेट हो गए कैसे। खैर कोई बात नहीं, क्वालिटी ड्रायर की दोस्तों बहुत अच्छी है, जिसमें पीछे जाली भी लगी हुई है और ये काफी अच्छा प्रेशर दे रहा है 2000 वॉट के हिसाब से। और दोस्तों एक बात आपसे शेयर करना मैं भूल रहा हूँ, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे देखिए आर्मेचर बना हुआ है, इसकी मोटर बनी हुई है, इसमें क्वाइल यूज हुई है दोस्तों, वो कॉपर की यूज हुई है। बहुत सारे ड्रायर ऐसे होते हैं इसमें एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है तो शॉर्ट कट जाते हैं, जल जाती है। आप काफी देर तक इस ड्रायर को कंटिन्यू बिना बंद किए चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस ड्रायर में। दोस्तों ये जो क्वालिटी है ना मुझको अच्छी लगी काफी, वैसे तो चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा चलते नहीं है लेकिन इस चाइनीज प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है मुझको लगी काफी अच्छी लगी दोस्तों, काफी हैवी और सॉलिड ड्रायर है और काफी मुझे पसंद आया दोस्तों। और साथ ही साथ ये इसका हैंडल है जिसपे ये ग्रिप बनी हुई है, ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे लुक इसका आ रहा है और पकड़ने में भी काफी अच्छा ग्रिप आ रहा है।
दोस्तों हमेशा ड्रायर का जो यूज करना चाहिए, हमेशा बालों में ऐसे सटा के नहीं करना चाहिए, आपके बाल खराब हो जाएंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के करना चाहिए कि आपके हाथ की जितनी डिस्टेंस हो उस हिसाब से इसको यूज करें कुछ इस तरह से, तो आपके बाल कभी डैमेज नहीं होंगे। बाकी ये सब जितनी चीजें होती हैं बालों को डैमेज कर देती हैं, बाल मेरे थोड़े से वैसे हो गए हैं, कोई बात नहीं चलता है इतना। तो दोस्तों अब मैं ड्रायर की रेटिंग अपने चैनल पर देना चाहता हूँ, 5 में से 4.5 की देना चाहता हूँ। इस रेटिंग से आपको आइडिया लग गया होगा इसकी क्वालिटी कैसी है। हर चीज में ड्रायर अच्छा है। आधा नंबर मैंने इसलिए काटा है कि जैसे बॉक्स की ज्यादा कुछ पैकिंग उसको अच्छी नहीं लगी, यूजर मैनुअल गाइड नहीं मिली दोस्तों, थोड़ा सा ये और लुक अच्छा कर देते तो अच्छा होता, लेकिन ब्लैक कलर भी सफिशियंट है। थोड़ा सा ये लोग इन्होंने इसकी क्वालिटी कम अच्छी दी दोस्तों, ये दो कैम नहीं है लेकिन क्वालिटी इसकी कम अच्छी दी है, इसलिए मुझे सर्टिफिकेशन हुआ। लेकिन ड्रायर की क्वालिटी तो दोस्तों बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने 4.5 की रेटिंग दी है। आपको इसका परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, वहां से आप लोग चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं वीडियो एंड करके जा रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप लोग। बाकी वीडियोज का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, और मेरी जो ड्रायर की वीडियोज है उनका लिंक भी ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, अगर आपको उनकी क्वालिटी अच्छी लगे उसमें से भी आप कोई ड्रायर पसंद कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।